We've discussed that in chlorophyce, the food is stored in the mainly in the form of starch, and the storage body is known as pyrenoids. Very, very important. Where is the location of pyrenoids? Pyrenoids are found in the chloroplast. Okay, pyrenoids are found in the chloroplast because photosynthesis occurs in the chloroplast. Okay, the first pyrenoid. But some algae belonging to the green alga also store wild droplets. Okay, means this both starch in is maximum, and in some alga wild droplets are also stored. What is pyrenoids? Pyrenoids is containing protein in center and surrounded by starch. Okay, ये उसी तरह जैसे जो सत्तू भरा हुआ पूरी बनता है ना, सत्तू क्या होता है बीच में और पूरी चारों तरफ से रहता है. सत्तू क्या हुआ प्रोटीन और पूरी वो स्टार्च से बना है, ठीक है ना. मतलब आटा से बना तो स्टार्च मान लीजिए उसको, ठीक है ना. उसी तरह है, अंदर प्रोटीन होगा और बाहर स्टार्च होगा. पाइमाइड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन क्लोरोफाइस इज आइसोगैमस एंड आइसोगैमस एंड ओगैमस आइदर ऑफ दिस. और इसका एग्जाम्पल हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. अंदर द ग्रीन एल्गी में भी द प्लांट बॉडी ऑफ ग्रीन एल्गी में यूनिसेलुलर कॉलोनियल और फिलामेंटस यूनिसेलुलर क्लाइमेडोमोनस कॉलोनियल वॉल्वोक्स एंड फिलामेंटस उलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा. ओके, देन कमिंग टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, आस्क्ड टू और थ्री टाइम्स इन इट. क्लोरेला. क्लोरेला इज यूज्ड एज फूड सोर्स बाय द स्पेस ट्रेवलर्स. ओके, क्लोरेला इज ऑल्सो एन ऑक्सीजन सोर्स फॉर द स्पेस ट्रेवलर्स. सो द एस्ट्रोनॉट्स गोइंग टू द स्पेस कैरी क्लोरेला एज फूड एंड ऑक्सीजन सोर्स. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू फॉर एम्स इज रेड रस्ट ऑफ एल्गी इज कॉज्ड बाय सेफेलुरस. आई हैव रिटन इन रेड. रेड रस्ट ऑफ एल्गी इज कॉज्ड बाय सेफेलुरस व्हिच बिलोंग टू द ग्रीन एल्गा. ओके, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज क्लोरेला एंड ये पाइरेनॉइड्स. ये दोनों पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग टू द फायोफाइसी दैट इज ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी इट्स मेंबर वेरी फ्रॉम सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म टू प्रोफ्यूजली ब्रांच. इन सिंपल ब्रांच यू मे रिकॉल एक्टोकार्पस. एक्टोकार्पस प्लांट बॉडी इज ब्रांच बट इज वेरी सिंपल. ओके, वाइल्ड केल्प कैन इसका तो हाइट कम से कम 100 मीटर तक भी जा सकता है, ठीक है. तो ये प्रोफ्यूजली ब्रांच में आएगा, मतलब फियोफाइसी का एक रेंज है, ठीक है. Its color may vary from olive green to various shades of brown, depending on the amount of fecogenin. यदि fecogenin ज़्यादा है, तो brownish ज़्यादा होगा. कम है, तो olive green ज़्यादा रहेगा, ठीक है. Cell wall, we've discussed cellulose, galactans, manganese, calcium carbonate in the cell wall of algae. But one more important point is algae. Cellulogic cell wall covered by algae. ये cellulogic cell wall होगा, बाहर से जो covering होगा वो algae से होगा, ठीक है. फियोफाइसी के मेंबर में तीन पार्ट होते हैं. होल्ड फास्ट जो उसको सबस्टेटम से पकड़ बना के रखे, मतलब ये मान लीजिए ये जो जो इस बेस से इसको जोड़ रहा है वो सबस्टेट, वो होल्ड फास्ट हो गया. जो बीच का पार्ट है स्टॉक जिसको कहेंगे वो स्टाइक हो गया. और जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक, क्योंकि लीफ तो है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये थैलोइड में आता है, तो उसको कहेंगे फ्रॉन्ट. फोटोसिंथेटिक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ है नहीं वो, क्योंकि थैलोइड में प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डीप स्टेम और रूट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस एनाइसोगैमस ओगैमस किसी टाइप का हो सकता है. एग्जांपल क्या है आपके, एक्टोकार्पस, डिक्टायोटा, लेमिनेरिया. लेमिनेरिया याद करना आसान है क्योंकि लेमिनेरिया इसका फूड भी था. लेमिनेरियन एंड मेनिडोर, फिर सार्गेसम एंड फ्यूकस. ओके, फायोफाइसी हम पहले बोल चुके हैं गुंडा टाइप का, यानी कि देखिए एक ठो गुंडा है. गुंडा क्या करता है, दिक्कत करता है सब आदमी को, ठीक है, ठीक है, बहुत गाली देगा, ठीक है ना, और धमकी देगा, गाली देगा, बोलेगा फूक देंगे उड़ जाएगा तुम, ऐसे ऐसे कहेगा वो, ठीक है ना. तो एक ठो गुंडा है जो दिक्कत करता है, ठीक है, बहुत गाली देता है, साला सार इसे बोलते रहेगा और बोल धमकी देगा कि हम फूक देंगे तो उड़ जाओ सामने वाले, ठीक है ना. ये सब क्लोरोफाइसी रेड एल्गी. इट इज फाउंड इन मेनली सॉल्टी वाटर एज आई हैव डिस्कस्ड. सो आई हैव रिटन हियर ओशियंस. ओके, mainly in warmer areas. Okay, the sea where the part of the sea where temperature is higher, you will encounter red algae more there. Okay, found maximum concentration in warmer areas. It
no matter with depth. It also occurs on the well lighted regions, that is on the surface of the sea, and also at the depth of the sea where light in very little amount penetrates. Okay, I have discussed no flagella, so its spores and gametes are non-motile, so it reproduces sexually and asexually by the spores and gametes, which are non-motile in nature. This is most important NCERT line, as all the points are from NCERT. Sexual reproduction is oogamous type, okay, and is accompanied by post-fertilization development. ठीक है, जो fertilization development normal procedure में हुआ किसी भी algae में, उससे ये थोड़ा complex होता है रोडफाइस में. We are not going into the detail of the whole procedure of the fertilization. Okay, must remember this point. Sexual reproduction is oogamous and accompanied by complex post-fertilization development. No need to going into detail. Examples are Polisiphonia, Porphyra, Gracilaria and Gelidium. Okay, GGPP, Gracilaria, Gelidium, Polisiphonia and Porphyra for red. GGPP, ठीक है, क्या कर रहे हैं? GGPP क्या पीएंगे? खून. खून मतलब रेड हो गया, इसलिए हम रेड खून. GGPP ठीक है, जीजू क्या बोले? GGPP ठीक है, और क्या खून, तो खून से क्या जाएगा? रेड. और जी से ग्रेसिलिया, जी से ग्लेडियम, पी से पोलिसिफोनिया, पी से